हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के स्टूडियो में। और आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो भी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराए जाते हैं उसको कंडक्ट कराती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यूजी के लिए, यानी जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो कह सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट है जिसके जरिए से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन होता है, उसके लिए फाइनली एनटीए ने नोटिस को सर्कुलेट कर दी है कि एनटीए किस तरीके से सारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा। यानी नीट यूजी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस बार, तो किस तरीके से जो आपका कह सकते हैं जो सारा डेट्स है, जो सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, उसके रिगार्डिंग एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दोनों को नोटिस को सर्कुलेट कर चुके हैं। हिंदी में भी सारे नोटिस अवेलेबल है, इंग्लिश में भी सारे नोटिस अवेलेबल है कि जो नीट यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कह सकते हैं जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2022 के लिए क्या सारे डिटेल्स है, क्या सारे नोटिफिकेशन है, सारे नोटिफिकेशन को आपके लिए अवेलेबल कराई जा चुकी है। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए, ये तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो आपको समझ में आता है, वीडियो आपको प्रॉपर पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का आपका कमेंट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं फिलहाल में भी एनटीए का जो नीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी neet.nta.nic.in के वेबसाइट पर मैं हूं। यहां पे देख सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी का आपको लॉगो दिख रहा होगा। यहां पे देख सकते हैं कि नीचे में यहां पे दिखाया गया है पब्लिक नोटिस 6 अप्रैल 2022 इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2022। इस तरीके से करके एक आपको हेडलाइन मिलता है। हम लोग अभी हेडलाइन पे क्लिक करके लैंग्वेजेस के रूप में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के फॉर्म में नोटिस को ओपन कर चुका हूं। तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके जरिए से आप भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा। यहां से कैंडिडेट एक्टिविटी का एक ऑप्शन है जिसमें लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। इसके जरिए से तमाम सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन अभी हम लोग इस प्रोसेस को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को जानते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन दोनों फॉर्म में है। मैं आपको बता दूं कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो नीट यूजी 2022 है, इसके लिए यानी कह सकते हैं जो नीट यूजी 2022 है बेसिकली होता है किसके लिए, तो आपको बता दें ये एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस में इन ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यानी इंडिया में जो सारे तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो आपका नीट यूजी का प्रोसीजर है। और इसके लिए एनटीए एप्लीकेशंस को सबमिट करने के लिए आपसे इन्फॉर्म कर दी है, आपको इन्फॉर्म की जा चुकी है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डेट आ चुका है, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बात की जाए अगर नीट यूजी 2022 का जो पूरा सेटअप है वो किस तरीके से होगा, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि नीट यूजी 2022 में बेसिकली 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और हर एक सिंगल क्वेश्चन के लिए आपके लिए चार ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें से एक उसका सिंगल करेक्ट आंसर होता है। और ये जो सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में दो पार्ट बॉटनी एंड जूलॉजी, एंड 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होता है, यानी फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, बॉटनी से 50 क्वेश्चन, एंड जूलॉजी से भी आपका 50 क्वेश्चन। बात की जाए टाइमिंग के बारे में, तो ये आपको 200 मिनट्स अलॉट होता है, यानी 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, एंड इसके लिए आपको 3 घंटे 20 मिनट का टोटल टाइम मिलता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से आपको बता दें तो दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे 20 मिनट तक आपको टाइम अलॉट किया जाता है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछी जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर जो अभी नीट यूजी 2022 के लिए है वो आपका टोटल 543 सिटीज इन इंडिया है, एंड 14 सिटीज आपको आउटसाइड द इंडिया है। बात की जाए लैंग्वेजेस के बारे में, तो टोटल 13 लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना रहे आप उसे चूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर में भी आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डेट्स के बारे में जान लीजिए, जो डेट है वो आपका 6 अप्रैल यानी आज से 6 मई 2022 तक एप्लीकेशन आपका सबमिट होगा नीट यूजी 2022 के लिए। और इसका जो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का वो आपको 7 मई 2022 तक अप टू रात के 11:50 तक। बात की जाए अगर आपका करेक्शन किसी भी पार्टिकुलर्स में आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़ता है तो उसके लिए फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और नीट यूजी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो कितना आपको अमाउंट देना होता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज, ध्यान रखिएगा, एंड जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 1500 रुपये, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर्स में आपको 900 रुपये। बॉयज गर्ल में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, कैटेगरी में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एंड आपको जो प्रोसेसिंग चार्ज एंड जो आपका जीएसटी वगैरह है एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको पे करने होते हैं। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको अमाउंट बताया वो इंडिया के लिए बताया, एंड आउटसाइड इंडिया अगर कोई कैंडिडेट है देन आपको 8500 रुपीज का पेमेंट करना होता है इसके लिए। बात की जाए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म किया जाएगा वेबसाइट पे, एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द इन्फॉर्म किया जाएगा, टू बी इंटीमेटेड लेटर आपको बाद में बताया जाएगा। एंड इसका डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो आपका फिक्स है, जो कि है 17 जुलाई 2022 को ऑल ओवर द इंडिया में नीट यूजी 2022 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बात की जाए तो 3 घंटे 20 मिनट, टाइमिंग के बारे में आपको बता दिया, एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्द इसके लिए इन्फॉर्म किया जाएगा वेबसाइट पे, लेटर इट में भी इंटीमेटेड यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन बताया गया है। एंड जो इसका जो कट ऑफ है या फिर कह सकते हैं जो इसके रिजल्ट्स वगैरह है वो भी डिक्लेयर किए जाएंगे आफ्टर सम टाइम्स, आपको फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा। ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शंस हो गया। बात की जाए अप्लाई करने के बारे में, तो अप्लाई करने का मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, HTTPS ये जो वेबसाइट आपको दिया गया है इस पर रीडायरेक्ट करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ आने के बाद आपको जो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मिल जाता है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक फर्दर आपको एक नया वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है, और इसी वेबसाइट के जरिए से फर्दर आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। देख सकते हैं वेबसाइट इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स में जनरली एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, एंड थर्ड
स्टेप में आपका एग्जामिनेशन फी को आपको पे करना है। तो इसके तमाम सारे प्रोसेस ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपसे कुछ बेसिक डिटेल बताया जाता है। यहाँ पे आपको अमाउंट वगैरह के बारे में बताया जाता है, चार्जेस वगैरह के बारे में, जो कि चार्जेस वगैरह के मैंने बारे में आपको बताया अभी। और आप पूरे जो कंटेंट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको बताया जाता है, जो क्लियरली यहाँ लिखा गया है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली टू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। यानी पूरे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप पूरे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पढ़ ले। और यहाँ देख सकते हैं पूरा स्टेप्स बताया जा रहा है, तो एक करके मैं भी स्टेप्स को मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। और किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई वगैरह कराने में फर्दर प्रॉब्लम है देन वो कमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हम लोग डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद देखते हैं क्या कुछ इंस्ट्रक्शन क्या कुछ डाउनलोड होता है, एंड इसके बाद हम लोग फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ करना है, तो स्टेप समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या किया जाता है, जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं सम बेसिक डिटेल के साथ, देन आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। फिर आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन होता है। लॉगिन होने के बाद फिर आपको अपना एकेडमिक डिटेल देना है। एकेडमिक डिटेल देने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर एंड आपका थंब इंप्रेशन, ये तीन जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स आपका जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए और वो आपका 10KB टू 200KB के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर सिग्नेचर के बारे में बात की तो इसका साइज 4KB टू 30KB एंड आपका जो कह सकते हैं जो थंब इंप्रेशन है वो आपका 10KB टू 200KB के बीच में है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जैसे आप कंप्लीट करते हैं फाइनली आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। याद रखिएगा अभी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यानी जो फर्स्ट स्टेप जिसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आपको पासवर्ड भी सेटअप करना होता है। तो चलिए फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टेप को हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद फर्दर स्टेप्स को फिर आगे चलकर कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक है टू प्रोसीड पे करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपको बताना है क्या कुछ, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार कार्ड इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका वर्तमान पता, वर्तमान पता आपको फिल कर देना है। इसके बाद परमानेंट फिल कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड सेटअप करना है। पासवर्ड सेटअप करने के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पे दिया गया था कि पासवर्ड आपका क्या कुछ तरीके का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पासवर्ड अगर आप सही तरीके से फिल नहीं करते हैं देन फिर आगे प्रोसीड करने में वो फिर फर्दर प्रॉब्लम आपका क्रिएट करेगा। तो पासवर्ड के लिए क्या कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड का देख सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताया गया कि पासवर्ड आपका मस्ट 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। पासवर्ड में एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, 1 लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, 1 आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे कंडीशन है। तो चलिए ये तमाम सारे डिटेल्स को फिल करते हैं। फिल करने के बाद सबमिट करके फिर मैं आपको फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं सारे डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ। कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, जो भी सारे तमाम डिटेल्स थे सारे डिटेल्स को मैं फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पे आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा, पहचान के टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड जो भी है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आधार कार्ड के लिए आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। इसके बाद तमाम सारे डिटेल्स को देने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बताया जाए प्लीज रिव्यू, आपको रिव्यू करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का देखना है देन आपको क्या करना है, देखने के लिए आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का चेकआउट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे करेंगे, अन्यथा आप इसे कन्फर्म करके सही से इसे फिलअप करेंगे। आपको फिर से अगर प्रॉब्लम मिला लेना है ऊपर से लेकर के नीचे तक कि सारा चीज आपका सही है या फिर नहीं है। तो अगर किसी भी थिंग्स में आपको करेक्शन करना है किसी भी कंटेंट में तो आप उस पर टिक मार्क करेंगे एंड टिक मार्क करने के बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट करेंगे। अगर टिक मार्क करने की आवश्यकता नहीं तो आप इसे आई एग्री पे कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है काइंडली चेक ऑल द बॉक्स पर्टिकुलर चेक बॉक्स इफ वेरीफाई एंड करेक्ट। आपको बताया जा रहा है कि ऊपर में अगर हर चीज पे आपका करेक्ट है तो आपको क्या करना है, इसमें पहले टिक मार्क कर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे चूंकि सारा डिटेल सही है तो आपको इसमें करना है टिक मार्क एंड टिक मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, सारे कंटेंट्स में आपको क्या करना है, टिक मार्क कर दिया है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद अगर आपको फिर भी अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन का यूज करिएगा, नहीं तो फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जैसे आप यस करते हैं इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आता है। आपको क्या करना है, ओटीपी यहाँ पे लाकर फिल करना है। जो भी ओटीपी रहे, जैसे देखिए मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। और फिल करने के बाद क्या करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो चुका है, जिसके जरिए से फिर फर्दर प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और इसी के जरिए से आगे नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म का। सेकंड फॉर्म में क्या करना है, अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है। एप्लीकेशन फॉर्म बनने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो चलिए सेकंड स्टेप को कंप्लीट करते हैं। सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर यू क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं देन यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स को दिए हैं। यहाँ पे हम लोग को देना है पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इस तरीके के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक करके सारे डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद क्या करना है, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड जो सेकंड डिटेल्स है इसको डिटेल्स को फिलअप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताना है डिटेल्स कुछ क्या कुछ डिटेल्स है, चलिए बताते हैं। ऊपर की जो सारा डिटेल्स था वो ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि आपने 12th स्टैंडर्ड अपना कहाँ से कंप्लीट किया, जो भी आपका ऑप्शन है आप उसे चूज कीजिए। आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आप इसे मेंशन कीजिए कि आप नॉन क्रिमिलियर में आते हैं, ओबीसी या फिर नॉर्मल, जो भी आपका कैटेगरी आप उसे चूज कीजिए। इसके बाद आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं या नहीं, यस या नो बताइए। इसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि आप डायबिटिक पेशेंट है, यस या नो में बताना है। क्या आप निवासी की जगह आपको बताना है कि रूरल है या अर्बन है, जो भी आपका है आप इसे डिटेल भरिए। एनुअल इनकम बताना आपको कि आपका एनुअल इनकम कितना है, आप इसे एनुअल इनकम मेंशन कीजिए। इसके बाद आपको बताया जाता है कि आप माइनॉरिटी में आते हैं या कि नहीं, यस या नो बताना है। आपका निवास का देश बताना है कि क्या आप इंडिया है या फिर आउट ऑफ इंडिया है, जो भी है आपका देश आप इसे देश मेंशन कीजिए। इसके बाद आपसे बताया जा रहा है कि डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रैक्टली, आपको बताया जाता है ड्रेस वगैरह। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप नीट यूजी 2022 में ड्रेस कोड के विपरीत इरादा रखते हैं तो आपको क्या करना है, नो करना है, यानी जो उसका क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं ड्रेस वगैरह का। इसके
बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, आप किस तरीके से नीट 2022 के लिए प्रिपेयर होते हैं, आपको बताना है सेल्फ स्टडी है या फिर इंडिविजुअल ट्यूशन है, जो भी आप उसे बताइए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड देना है। चलिए कैप्चा कोड को फिल करते हैं, एंड कैप्चा कोड को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बार बार आपसे कंफर्मेशन पूछा जाता है कि सारा डिटेल्स आपका सही है कि नहीं, जब डिटेल सही है तो आप इसे यस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आधार नंबर है कि नहीं, आधार नंबर है तो आप इसे यस कीजिएगा। इसके बाद आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके किया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कुछ आपको डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन में आपको क्या कुछ करना कंफर्म करना है। चलिए देखें डिक्लेरेशन क्या कुछ हमसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे दो डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि मैं अपने स्वेच्छा से आधार कार्ड दे रहा हूँ, और यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन है कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, जो भी आप करें आप इसे मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन देना है, फर्स्ट ऑप्शन देने के बाद आपका जो आधार नंबर है आप उस आधार नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिए, एंड मेंशन करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है डिक्लेरेशन पे, एंड डिक्लेरेशन कंफर्म करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ये आपका थर्ड स्टेज है, ध्यान रखते जाइएगा स्टेज में। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सेंटर के बारे में, एंड यहाँ पे जो आपका चॉइस है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपका पेपर ऑफ मीडियम क्या रहेगा, तो इंग्लिश हिंदी जो भी रहे, यहाँ पे तमाम सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ इंग्लिश। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट आपको लेना है, लेटर मुझे बिहार लेना है क्योंकि मेरा नियरेस्ट मेरा डोमिसाइल स्टेट बिहार है, तो जो भी आप करें आप इसे फिर सेंटर आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका सेंटर है, होम डिस्ट्रिक्ट भी आप चूज कर सकते हैं या फिर आप फर्दर जो भी सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आप उसे चूज कर सकते हैं। फिर से मैं बिहार लेता हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, चूज कर लेना है, और यहाँ पे आपको टोटल चार चॉइस बताना है, चार चॉइस के बाद फिर आपको फर्दर प्रोसीड करना है। देख सकते हैं जो भी सारा मेरा चॉइस है, मैं चॉइस को यहाँ पे तेज गति से इसको भर देता हूँ, जो भी आपका पसंद है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि चॉइस को आपको फिल आउट कर देना। चलिए फिलअप कर देते हैं, एंड फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपसे पूछा जाता है कि फादर का ऑक्यूपेशन डिटेल्स क्या है, फादर क्या करते हैं, यहाँ आपको बताना है कौन सा सेक्टर है फादर का, प्राइवेट सेक्टर क्या कुछ आपका है सेक्टर, अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो फिर आप अदर्स वाले ऑप्शन को आप फिलअप भी कर सकते हैं। जैसे मेरे फादर टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में है तो फिर मैं उसे फिलअप कर देता हूँ। फादर का ग्रेजुएशन डिटेल पूछा जाता है, जो भी फादर का ग्रेजुएशन डिटेल हो आप उसको बता देना है। माता का फिर से आपको बताना है एजुकेशन डिटेल्स, कहाँ तक एजुकेशन डिटेल है या फिर आपका हाउस वाइफ है या फिर जो भी है आप उसे मेंशन कर देना, नहीं कुछ समझ में आए तो आप इसे अदर्स वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मदर्स का डिटेल्स पूछा जाता है, मदर्स के बारे में बता सकते हैं कि मदर्स आपका कहाँ तक पढ़े हुए हैं, यानी कहाँ तक लेक्चर मतलब कहाँ तक आपके एजुकेटेड है आपको उसे बताना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देना है, जो भी सिक्योरिटी पिन है। चलिए मैं इसे जो आपका कैप्चा है कैप्चा कोड को फिल करता हूँ, एंड कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ। हर बार क्लिक करते हैं, हर बार कंफर्मेशन सबसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो लास्ट यहाँ जो डिटेल्स है, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको बताना है कि आपका 10th का डिटेल क्या है, 12th का डिटेल क्या है, 11th का डिटेल क्या है। इसके बाद क्या करना है, कैप्चा भर करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इस डिटेल्स को फिलअप नहीं करते हैं आपका नेक्स्ट डिटेल अपीयर नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है 10th के बारे में, 10th आप 5 डे अपीयरिंग है जो भी रहे, ध्यान रखिएगा 5 डेज में फिल करना है। इसके बाद बताना है कि कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में बताइएगा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था, रूरल था या अर्बन था आप इसे बताइएगा, टाइप्स ऑफ स्कूल क्या था, प्राइवेट सेक्टर था, स्कूल या फिर किससे रिलेटेड था वो आपको बताना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो आपको इसमें इस ऑप्शन को फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं था मेरा, जो भी रहे आप उसे बताइएगा। यहाँ पे प्राइवेट एंड एडेड था तो या फिर सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल था, जैसे सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल था तो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ से आपने पास आउट किया है तो आपको बताना है स्टेट के बारे में। उसके बाद योग्यता, कहाँ आपने जाकर के जो किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है वो आपको बताना है। उसके बाद स्कूल ऑफ बोर्ड क्या है, ये सारा डिटेल्स को आपको बताना है, जैसे ये हमारा डिटेल था औरंगाबाद इसको मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद स्कूल बोर्ड आपको बताना है कि कौन सा स्कूल बोर्ड था या फिर क्या बोर्ड था आपका, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के जरिए से मैंने कंप्लीट किया था, उस डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताना है किस तरीके से मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद बताना है कि सीजीपी ऑप्टेन कितना हुआ, जो भी सीजीपी ऑप्टेन है आप इसे मेंशन कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सीजीपी आपको बताना है, यहाँ पे सीजीपीए चूज अप करने के टाइम में यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आप चूज कर लीजिएगा कि मैक्सिमम सीजीपीए कितना था 10 सीजीपीए एंड आपका ऑप्टेनिंग सीजीपीए कितना था वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको रोल नंबर देना है, रोल नंबर जो भी रहे आपको रोल नंबर दीजिए। रोल नंबर देने के बाद स्कूल कॉलेज का नाम और पता देना। चलिए मैं रोल नंबर फिल कर देता हूँ। प्लीज यहाँ पे जो आपका रोल नंबर था और स्कूल का नाम पता था मैंने दे दिया। इसके बाद पिन कोड दे दिया। इसके बाद आपको बताना है 12th का एजुकेशन डिटेल, 12th का क्या कुछ आपका स्टेटस है। इसके बाद 11th का क्या है, 12th का क्या है, सेम तरीके से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड देकर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए ये डिटेल्स को फिलअप करके हम लोग सेव एंड नेक्स्ट बटन पर प्रोसीड करते हैं। आप क्लास 12th के डिटेल्स को देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सब्जेक्ट में आप प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा कि चूंकि आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट नीट यूजी 2022 के लिए एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनका बायोलॉजी एज अ मस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा उनका बायोलॉजी पेपर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे चलिए डिटेल्स मांगा जा रहा है कि इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेनिंग मार्क्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्टेनिंग मार्क्स मेंशन करना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स मेंशन करना है। चलिए इसको मेंशन करके फिर हम लोग कैप्चा भरते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स को मैं फिलअप कर चुका हूँ, मार्क्स को भी। इसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछा है, फिर से आपको कंफर्म करना है। जैसे आप इस कंफर्मेशन को पूछते हैं फिर आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगा जाता है, जिसमें आपको एडिशनल डिटेल में पूछा जाता है कि आपने पहले भी नीट यूजी में पार्टिसिपेट किए हैं, आपको बताना है जन्म स्थान, आपको बताना है कौन से कंट्री में हुआ है। इसके बाद आपको बताना है स्टेट के बारे में, जो भी आपका स्टेट रहे आप स्टेट मेंशन कीजिए। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहे आप इसे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए, एंड डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद फिर से आपको सिक्योरिटी यहाँ पे कोड देना, यानी कैप्चा देना है। चलिए कैप्चा को फिलअप करते हैं, एंड कैप्चा को फिलअप करने के बाद फिर से हम लोग सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आता है, जिसमें आपको क्या सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फटाफट देख लीजिए आपको कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो कि रियलिटी यहाँ पे चेकआउट हो जाता है।
सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज का फोटो खींचना है बिना मास्क का, ध्यान रखिएगा साइज आपको बताया जा रहा है 10 to 200 KB। इसके बाद बाएं और दाएं हाथ का उंगलियों का निशान आपको बताना है, यानी जो थंब इंप्रेशन है इसके बारे में, सिग्नेचर। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक आपसे पूछा जाता है पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क के साथ, यानी पासपोर्ट साइज फोटो। एंड इसके बाद पूछा जाता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज का एक फोटो आपको देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, चूंकि मैंने ओबीसी के ऑप्शन को चूज किया था। इसके बाद आपको बताना है 10वीं का 10th का आपको मार्कशीट को आपको क्या करना है अपलोड करना। चलिए सबको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद हम लोग फाइनल सबमिट को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, एंड 10th का जो आपका मार्कशीट है वो भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। साइज के बारे में बता दी जाए तो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में आपका 10th एंड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। चलिए इसको भी हम लोग अपलोड कर देते हैं। सो गाइस, मैं सारे डिटेल्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर चुका हूँ, सारे डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ। जैसे ही सारे डिटेल्स को आप अपलोड करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू का। आप व्यू ऑप्शन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स आपके सही तरीके से, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर वे में अपलोडेड है या फिर नहीं। इसके बाद फिर से एक बार आपको कैप्चा देना होता है, कैप्चा देने के बाद आपको क्या करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। ये आपका लास्ट स्टेज है, अब जाकर आपका फाइनल सबमिट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है प्लीज, क्योंकि सारे डिटेल्स मेरे सही तरीके से प्रॉपर वे में फिलअप है, आप रिव्यू कर सकते हैं, पूरा रिव्यू देख सकते हैं सारे डिटेल्स में। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि सत्यापित की जाने वाली, आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी सारे अपने डिटेल्स दिए सही दिए कि नहीं, आपको चेकआउट करना, यानी चेकमार्क करते जाना है। इसके बाद मैं सारे डिटेल्स पे चेकमार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे सारे डिटेल्स, जो भी मैंने डिटेल्स यहाँ पे दिया, सारे डिटेल्स प्रॉपर में सही तरीके से, तो यहाँ पे चेकमार्क करके टिकमार्क करके फिर आपको क्या करना है, एग्री करना है, एंड एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट करना है और फिर पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करते हैं, एग्री करने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करते हैं, या यस वाले पॉपअप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यस वाले पॉपअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है, व्यू एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, अब लास्ट स्टेज है आपका पेमेंट का, जो कि अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले यहाँ देखिए बताया कि ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड, अभी तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर आपका भी इस तरीके से देखा है तो आपको क्या करना है, पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी पर एक आपका ओटीपी जाएगा, आपको क्या करना है, ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, एंड फिल करने के बाद फिर आपको फर्दर यहाँ पे आगे की ओर प्रोसीड करना है। देख सकते हैं हमारे पास ईमेल आईडी आ चुका है, ईमेल आईडी यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, ईमेल आईडी का जो कैप्चा कोड आपका है वो इसमें डाल करके फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देंगे। और पहले यहाँ पे देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को मेंशन करना है, जो भी आपका सिक्योरिटी यहाँ पे पिन है, यानी जो कैप्चा है, कैप्चा को आपको फिल कर देना है। एंड फिल करने के बाद आपको फिर यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, देख सकते हैं मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बताया सिक्योरिटी पिन डज नॉट मैच, यानी जो आपको ओटीपी है। अगर आपको ओटीपी नहीं आता है देन फिर क्या करना है कि यहाँ पे रीसेंट कोड कर देना है। जैसे आप रीसेंट कोड करते हैं फिर आपके जो आपका ईमेल एड्रेस है उसे फिर से एक नया ओटीपी जाता है। चलिए ओटीपी को फिल करते हैं एंड फिर से हम लोग वेरीफाई करते हैं। सो मैं फिर से एक बार फिल कर चुका हूँ, चूंकि उस टाइम गलती हो चुका था, तो यहाँ पे मैं इसे वेरीफाई कर दिया हूँ। एंड वेरीफाई करने के बाद फिर हम लोग क्या करें, क्लिक हियर टू गो होम टू पेज वाले ऑप्शन को। तो जैसे मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, इस तरीके से देखिए ऑप्शन आ जाता है, योर ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड। इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट चूंकि अभी इनकम्प्लीटेड पेमेंट आपका है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पे एप्लीकेशन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका 1500 का, यानी 1500 का पेमेंट करना है। इसके लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली इसका पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और पेमेंट डैशबोर्ड पे आपका जो पेमेंट करने के तमाम सारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिखाया जाता है। आपको जिस जरिए से पेमेंट करना है, जिस भी गेटवे का आपको पेमेंट करना है, आप उस गेटवे को चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं पेटीएम पेमेंट गेटवे को मैं यूज करता हूँ। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा पेमेंट में, पेमेंट करने के टाइम में कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा। पेमेंट करने के लिए आपका यूपीआई आईडी या फिर नेट बैंकिंग या फिर आपका इंटरनेट मोबाइल नंबर, जो पेटीएम का मोबाइल नंबर, जिस भी जरिए से आपको पेमेंट करना है पेमेंट कीजिए। एंड पेमेंट करने के बाद फिर आपका फाइनली रिसिप्ट, यहाँ पे पेमेंट का रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका इसके बाद जैसे ही ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपका होम पेज पे, और उसके बाद आपका फाइनली जो रिसिप्ट है, यानी जो आपका कर सकते हैं जो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट है, वो आपका पीडीएफ डाउनलोड जाएगा। क्योंकि गाइस मुझे एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है, इसलिए मुझे पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। तो मैं यहाँ तक के लास्ट स्टेज तक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखा चुका हूँ। देन अगर किसी भी कैंडिडेट को फिर फर्दर प्रॉब्लम होता है देन वो बता सकते हैं, उनके क्वेरी को एप्रोप्रिएट जो भी सारा सुटेबल आंसर होगा उस आंसर के जरिए से उसको ठीक किया जाएगा, यानी उसके आंसर को दिया जाएगा। सो गाइस ये जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा वीडियो लंबा रहा, लेकिन पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने देखा एंड एप्लीकेशन सबमिट करने के पूरे प्रोसीजर को हमने समझा। सो गाइस आशा करते हैं तमाम जो सारे जो प्रोसीजर्स थे, जो तमाम सारे स्टेप्स थे, वो स्टेप्स आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज गाइस अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो पिन करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।